ऑन 1 अप्रैल 2004 शेल्टर लिमिटेड इशूड 5008% कन्वर्टेबल डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2009। जो शेल्टर लिमिटेड है उसने 1 अप्रैल 2004 को 5000 कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए 100 रुपये वाले, जिस पे जो कूपन इंटरेस्ट रेट है वो 8% का था, और वो मैच्योर ठीक 5 साल बाद यानी 31 मार्च 2009 को हो रहे थे। तो इसने कितने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके कितने का लोन उठा लिया? 5000 डिबेंचर, एक डिबेंचर के फेस वैल्यू 100 रुपये यानी 5 लाख रुपये इसने उठा लिए। द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ शेल्टर लिमिटेड एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। जो डिबेंचर्स थे वो कन्वर्टेबल थे शेल्टर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में, 105 रुपया पर शेयर इनकी कन्वर्जन प्राइस थी। बट ध्यान देने वाली बात ये, कन्वर्जन प्राइस रिडेम्पशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा जो कैश फ्लो वो नहीं होगा कुछ, ठीक है, ये सिर्फ कन्वर्जन प्राइस नॉट रिडेम्पशन। तो लाइबिलिटी है वो 100 की ही है, 15 की नहीं है। इंटरेस्ट जो है एनुअली कैश में पेबल है। इशू करते समय जो शेल्टर लिमिटेड थे वो नॉन कन्वर्टेबल डेट अगर इशू करता 5 साल का ही, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती 12%। अभी कितनी देर 8%, पहले कितनी देनी पड़ती 12%, ठीक है। उसके बाद 3 साल जब बीत गए यानी 31 मार्च 2005 चला गया, 6 चला गया और 7 चला गया, फिर 1 अप्रैल जब 2007 आया यानी ठीक उसका तीसरे साल के बाद जो चौथा साल शुरू हुआ उसका पहला दिन में ही, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर थे उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 5,25,000 रुपये हो जाती है। अभी कितनी है? 5 लाख। अभी अब हो जाती है 5,25,000। तो ये कहता है शेल्टर लिमिटेड कि मैं अब बायबैक करना चाहूँगा 5,25,000 का जो आपके डिबेंचर्स जो मैंने उसे किए थे वो, और तो मतलब इस तरीके से ये 5,25,000 सेटलमेंट अमाउंट। वो कह रहा है कि यार अब लोन 2 साल और मत खींचो, इसको 5,25,000 पे इसकी फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस है ही, मैं आपको सेटल करके 5,25,000 पे दे देता हूँ, ख़त्म करो किस्सा, जितना इंटरेस्ट आपको मिल गया उतना मिल गया, ठीक है। अब कहता है रीपर्चेज की डेट पे जो शेल्टर लिमिटेड है वो इशू कर सकता था नॉन कन्वर्टेबल डेट विद अ 2 ईयर टर्म बेयरिंग अ कूपन रेट ऑफ 9%, ठीक है। अब हमें अकाउंटिंग एंट्री शो करनी है इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट की रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉग्निशन के टाइम पे और रिपर्चेस के टाइम पे, और ये इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो दे रखे हैं 8% के, 9%, 12%, और यही हमें आंसर में यूज करने हैं। तो बट ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हु एम आई, ऑफकोर्स शेल्टर लिमिटेड की बुक में हो रहा काम तो मैं शेल्टर लिमिटेड हूँ, मिले क्या है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि मैंने लिया है 5 लाख रुपये का। ऑफ मार्केट है कि ऑन मार्केट है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि इशू करते समय मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से 5 साल का ही इशू कर सकता था 12% पे, तो ये ऑफ, तो ये मतलब ये ऑफ मार्केट टर्म हो गया, ठीक है। यार कितने हैं 12% पे, क्योंकि मैं 12% पे इशू कर सकता था, तो यानी मार्केट प्राइस मार्केट रेट जो है 12% है। उसके बाद अब हमें निकालना है पीवी निकालना है कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके। तो हमें कैश फ्लोज कौन कौन से होने वाले हैं? तो एक तो ये कह रखा है कि इंटरेस्ट आप हमें दोगे 8% का, मतलब इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 8% का यानी 5 लाख का 8% 40,000 रुपये हर साल देंगे कैश में। लेकिन यहाँ पे ये रिडेम्पशन की बात पे उसने कुछ कह नहीं रखा है, तो रिडेम्पशन की बात पे हम मतलब ये मान के चलेंगे जो कन्वर्जन है वो ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल इन द हैंड्स ऑफ होल्डर, ऑप्शन एट द हैंड ऑफ कन्वर्जन का जो ऑप्शन है वो होल्डर के हाथ में, और होल्डर क्या जाएगा कन्वर्जन को चाहेगा, वो तो अपने पैसे चाहेगा ना, यानी वो उस बोलेगा कि आप मेरे को लास्ट टाइम पे मेरे को आखिरी साल में मेरे को प्रिंसिपल पे करो, तो यानी आखिरी साल में इसको प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्जन जो है कन्वर्जन का ऑप्शन तो है बट वो ऑप्शन होल्डर के हाथ में, और होल्डर कन्वर्जन तो करेगा नहीं, पैसे लेगा, तो पैसे लेगा तो ये रहे इसके 5 लाख हमने कैश फ्लो में डाल दिया। अब आंसर हमने पीवी किया, पीवी फैक्टर 12 वाला 12% का हमने यहाँ से उठा लिया, ये हमारा आ गया 4। ये अब स्टेप 6 में फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट कितना, जो तो जो पीवी निकलता है वही तो होता है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट इतना है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट निकल गया यानी पीवी निकल गया। एक तरीके से अगर हम पुराने सिंपल फॉर्मूले पर चले तो ये हमारा पीवी निकल गया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस और पीवी का डिफरेंस वो भी तो निकालते थे हम ना, तो ये और ट्रांजैक्शन प्राइस कितने 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अमोर्टाइजेशन अमाउंट निकलेगी, तो ये रही हमारी अमोर्टाइजेशन अमाउंट,
ये हमारी पीवी, पीवी को दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट कहते हैं, और अमोर्टाइजेशन को दूसरे शब्दों में इक्विटी कंपोनेंट कहते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के केस में, और ये पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस है, सिंपल। अब हमें बनाना है स्टेप 7 में अमोर्टाइजेशन टेबल, तो ये देखो ये हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल बन गई। ये हमने फाइनेंशियल अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट का यूज करके बनाते हैं। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट रखा, इंटरेस्ट रेट 12% रखी जो EIR की है, और जो एक्चुअल में पे कर रहे थे 8%, ये एक्चुअल का कैश फ्लो है ये, ये जो हमारा ड्यू हो रहा है ये अमाउंट पेड है, क्लोजिंग बैलेंस आगे हमने निकाल दिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम पे कर रहे थे वैसे वैसे इस वाले पार्ट पे, यानी जब हमने इसकी पेमेंट करी, जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना था, उस समय इसने बोला कि मुझे सेटल करना है, 2 साल की मुझे और पेमेंट नहीं करनी है, मुझे 5,25,000 रुपये सेटल करना है, ठीक है। तो अब इस समय जो ये नया जो इशू कर सकता था, नया नॉन कन्वर्टिबल डेट 2 साल के लिए, वो 9% पे इशू करता। देखो यहाँ पे लिखा है ना 2 साल का 9% पे। तो अब इसकी नई फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, नई फाइनेंशियल लायबिलिटी इसकी जो 2 साल की जो कैश फ्लोज बाकी रहेगी वो 9% से PVF आप यहाँ से ले लो, आप कर दो, तो यानी नई फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी होगी, यानी पुरानी इसकी इतनी थी, नई इसकी इतनी, यानी टोटल इसको और ख़र्चा इतना बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई वाली है ज़्यादा है, पुरानी वाली है 4,65,912 और नई वाली है 491,360। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी है हम वहाँ यहाँ से नहीं उठाएंगे, बल्कि जो रिमेनिंग कैश फ्लोज जो बच रहे हैं उनको हम दोबारा से उनका पीवी करेंगे 12% से, यानी ओल्ड EIR का ही यूज़ करेंगे हम, तो वो 466,100 आएगा, ना कि 4,65,912। यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ओल्ड FL जब हम ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालेंगे तो अमोर्टाइजेशन का क्लोजिंग बैलेंस नहीं उठाएंगे, बल्कि जो रिमेनिंग कैश फ्लो जो रह रही है बच गई है उनका हम दोबारा से पीवी करेंगे ओल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का यूज़ करके, तब हमारी ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी निकलेगी और उसको हम नई फाइनेंशियल लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे, और हमें अभी भी जो है नया फाइनेंशियल लायबिलिटी महंगा पड़ रहा है, मतलब जो हमें और पे करना और ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये फाइनेंशियल पेंडल से हम जो पेंडल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर टोटल सेटलमेंट के अमाउंट के 5,25 हमने इतने का सेटल कर दिया, 491,360 का नया फाइनेंशियल लायबिलिटी सेटल हो गया ना, एक ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी जो रह रही थी उससे दिया हमने इसको, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी में जो बैलेंस था उससे दिया, और जो पेंडल में से कुछ पैसे निकाल के दिया, यानी 491,360 हमने इसको पूरा दे दिया, लेकिन सेटलमेंट तो भैया 5,25 की है, तो यानी इक्विटी कंपोनेंट इसमें इतना निकल गया, इसकी नया इक्विटी कंपोनेंट निकल गया, जो टोटल सेटलमेंट अमाउंट में से नया फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस करोगे तो नया इक्विटी कंपोनेंट निकलेगा ना, तो यानी नया इक्विटी यानी इक्विटी कंपोनेंट में से इतना पे करना, तो ओल्ड इक्विटी कंपोनेंट था इतना पे इतना करना, यानी इतना जो है वो रिटर्न सरप्लस में हमारा चल जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड वाला है वो बैलेंस उसमें ज़्यादा है, नए वाले में बैलेंस कम है। उसके बाद हमें जनरल एंट्रीज कर देनी है, तो जनरल एंट्रीज में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जनरल एंट्री सिर्फ रिकॉग्निशन की करनी है, और सेटलमेंट जो एंट्री है मतलब ये एडजस्टमेंट वाली सिर्फ ये एंट्री करनी है, और बीच वाली वो अमोर्टाइजेशन वो सब नहीं करनी, इनके डिक्रीज वो सब नहीं करनी है।